Hello students, how are you? And welcome to Navnidhi International School online video platforms. So dear students, in previous part we studied how Gopal reached the courtyard, reached the king's court with a big helsa piece, and no one talked about the helsa piece. No one discussed about helsa piece. So after then he reached the court, and the gatekeeper didn't want to enter the court to Gopal. Okay, but after then the king called gatekeeper and he ordered him to get in to Gopal. So start, Gopal was brought before the king. अब गोपाल को क्या किया ना, राजा के सामने लेके आए. गोपाल was brought before the king. It is, and after then all the courtier said, there one of the courtier said, it is Gopal. Okay. And it is really a Gopal. And the another courtier said, the man has lost his mind. I think Gopal has lost his mind. He got mad. Okay. And another courtier said, I think it is one of his crazy jokes. Okay. तो उनमें से और एक जो member है वो बोलता है, आई थिंक ये गोपाल का वन ऑफ द जोक्स है, ये एक जोक है, वो मजा करता है. ठीक है. नेक्स्ट, गोपाल सेट, All right, Gopal, out with it. Gopal, out with it. Why are you dressed up in the ridiculous fashion? तो यहाँ पे गोपाल क्या बोलता है, ठीक है, okay, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? और ये बात सुनकर राजा को क्या करना है, राजा भी देखे कि गोपाल ही है. तो गोपाल, राजा को समझ में आ गया कि एक्चुअली गोपाल के मंदर कुछ ना कुछ दिमाग है जो चल रहा है, सीक्रेट चीज़ें हैं, और इसलिए उन्होंने गोपाल को बोला कि ठीक है भाई गोपाल, अब तो बताओ, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रेडिकुलस फैशन, तुम इतने रेडिकुलस फैशन में क्यों ड्रेस्ड हुए हो, टेल मी, आंसर मी. ठीक है. एंड गोपाल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. ओके, गोपाल रिप्लाइड दैट, योर मैजेस्टी, You seem to have forgotten something. शायद लगता है आप कुछ चीज़ें भूल गए हैं, एक नहीं लगता है कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं. तो after listening that, the king got shocked and replied, forgotten something? I don't know what things I forgot. Okay, I don't know what things I have forgotten. What is? Okay. So Gopal replied then, strangely enough, no one seems to be interested in helsa feast today. लगता है आज पूरी कोर्ट में, लगता है आज पूरी कोर्ट में किसी को भी helsa feast के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, समझेगी नहीं, या भी कोई बात नहीं कर रहा है. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about helsa feast. उसने बोला ना मार्केट में, मैंने जब मार्केट से कोर्ट में लेके आया, ना मार्केट में, ना कोर्ट में, दरबार में, या फिर कोर्ट के बाहर. ओके, नो वन वुड लाइक टू टॉक अबाउट helsa feast टुडे. ओके, तो ये बात राजा को याद दिला दिया. तो राजा को याद आ गया कि एक्चुअली राजा ने उसके साथ चैलेंज रखे थे कि तुम helsa feast लेके आओगे, और उसको helsa feast के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा. और ये बात राजा को याद आ गया. और आफ्टर रिमेंबर्ड दिस टॉक एंड लिसनिंग द स्पीच ऑफ गोपाल, ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो बहुत हंसे. ओके, एंड गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. तो यहाँ पे राजा ने फिर से गोपाल को कंग्रेचुलेशन किए, बोले गोपाल कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड यू अचीव्ड, ओके,
यू अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. वंस अगेन मतलब फिर से आपने एक इम्पॉसिबल चीज को वो पॉसिबल करके दिखा दिया. सो स्टूडेंट्स, इन द चैप्टर वी डिस्कस्ड, वी स्टडीड अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट गोपाल एंड द किंग एंड अबाउट द हिल्स ऑफ हिज. ओके, हियर गोपाल बहुत ही चालाक है, वाइज पर्सन था, समझेगी नहीं, जो राजा के चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड उस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे हरकत किए, यानी पागल की तरह हरकत किए, और फाइनली ही अचीव्ड हिज गोल. वो अपनी गोल, अपनी लक्ष्य जो है वो पा गए, ठीक है कि नहीं, एंड फाइनली वो जो चैलेंज है वो जीत गए, ठीक है कि नहीं. सो आई होप यू वुड अंडरस्टूड द चैप्टर. ओके, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट में से आपको सारा आंसर फाइंड करनी है एंड राइट इन नोटबुक. ओके, इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. टिल देन रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट.